यहोशु अध्याय 10। यहोशु अध्याय 10। जब यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने सुना कि यहोशु ने ए को ले लिया और उसको सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसा ही ए और उसके राजा से भी किया गया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इसराइलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं, तब वे निपट डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर बरन राजनगर के तुल्य और ए से बड़ा था, और उसके सब निवासी शूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनीसेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, यरमुत के राजा पिराम, लाकिश के राजा यापी और एग्लोन के राजा दबीर के पास यह कहला भेजा कि मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारे, क्योंकि उसने यहोशू और इसराइलियों से मेल कर लिया है। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यरमुत, लाकिश और एग्लोन के पांचों एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे लगाकर उससे युद्ध छेड़ा। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यो कहला भेजा कि अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धा और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इसराइलियों से घबरा गए, और इसराइलियों ने गिबोन के पास बड़े मनुष्य संहार किया और बेथोरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इसराइलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इसराइलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी, और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जातियों के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न लिया। क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग चार पहर तक न डूबा, न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इसराइल की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इसराइलियों समेत गिलगाल की छावनी को लौट गया, और वे पांचों राजा भागकर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे। तब यहोशू को यह समाचार मिला कि पांचों राजा मक्केदा के पास की गुफा में छिपे हुए हैं। हमें मिले यहोशू ने कहा गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों को उसके पास बैठा दो, परंतु तुम मत ठहरो, अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो, उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर न दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। जब यहोशू और इसराइली उनका संहार करके नाश कर चुके और उनमें से जो बच गए सो अपने अपने गढ़वाले नगर में घुस गए, तब सब लोग मक्केदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल क्षेम से लौट आए, और इसराइलियों के विरुद्ध
किसी ने जीभ तक न हिलाई। तब यहोशू ने आज्ञा दी कि गुफा का मुंह खोलकर उन पांचों राजा को मेरे पास निकाल ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया और यरूशलेम, हेब्रोन, पमूर्त, लाकिश और एग्लोन के उन पांचों राजा को गुफा में से उसके पास निकाल ले आए। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इसराइल के सब पुरुषों को बुलवाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट आकर अपने अपने पांव उनकी गर्दनों पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, मत डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे संग सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। इसके बाद यहोशू ने उनको मार डाला और पांच वृक्षों पर लटका दिया और वे सांझ तक उन वृक्षों पर लटके रहे। सूर्य डूबते डूबते यहोशू ने आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें उनको वृक्षों पर से उतार के उसी गुफा में जहां वे छिप गए थे डाल दिया और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर धर दिए। वे आज तक वही धरे हुए हैं। उसी दिन यहोशू ने मक्केदा को ले लिया और उसको तलवार से मारा और उसके राजा को सत्यानाश किया और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों में से किसी को जीवित न छोड़ा। और जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था वैसा ही मक्केदा के राजा से भी किया। तब यहोशू सब इसराइलियों समेत मक्केदा से चलकर लिब्ना को गया और लिब्ना से लड़ा और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इसराइलियों के हाथ में कर दिया और यहोशू ने उसको और उसमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा और उसमें से किसी को भी जीवित न छोड़ा। और उसके राजा ने राजा से वैसा ही किया जैसा उसने यरीहो के राजा से किया था। फिर यहोशू सब इसराइलियों समेत लिब्ना से चलकर लाकिश को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा और यहोशुआ ने लाकिश को इसराइल के हाथ में कर दिया और दूसरे दिन उसने उसको जीत लिया। और जैसा उसने लिब्ना के सब प्राणियों को तलवार से भी मारा था वैसा ही उसने लाकिश से भी किया। तब गेरेज का राजा होराम लाकिश की सहायता को चढ़ाया और यहोशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा कि उसके लिए किसी को जीवित न छोड़ा। फिर यहोशू ने सब इसराइलियों समेत लाकिश से चढ़कर एग्लोन को गया और उसके विरुद्ध छावनी लड़ाकर युद्ध करने लगा और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया और उसको तलवार से मारा। और उसी दिन जैसा उसने लाकिश के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला था वैसा ही उसने एग्लोन से भी किया। फिर यहोशू सब इसराइलियों समेत एग्लोन से चलकर हेब्रोन को गया और उनसे लड़ने लगा और उन्होंने उसे ले लिया और उसको और उसके राजा और सब गांवों को और उसमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा। जैसा यहोशू ने एग्लोन से किया था वैसा ही उसने हेब्रोन से भी किया और किसी को जीवित न छोड़ा। उसने उसको और उसमें के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला। तब यहोशू सब इसराइलियों समेत घूमकर दबीर को गया और उससे लड़ने लगा और राजा समेत उसे और उसके सब गांवों को ले लिया और उन्होंने उनको तलवार से घात किया और जितने प्राणी उसमें थे सबको सत्यानाश कर डाला, किसी को जीवित न छोड़ा। जैसा यहोशू ने हेब्रोन और लिब्ना और उसके राजा से किया था वैसा ही उसने दबीर और उसके राजा से भी किया। इस प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे के देश और ढालू देश को उनके सब राजाओं समेत मारा और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित न छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों को सत्यानाश कर डाला। और यहोशू ने कादेश बरने से लेकर अज्जा तक और गिबोन तक के सारे गोशेन देश के लोगों को मारा। इस सब राजाओं को
उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय ले लिया, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा इसराइलों की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सब इसराइलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आया।